दोस्तों अभी सहारा की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों अपडेट में जो बताया गया है दोस्तों, इसे लेकर मोदी सरकार योगी सरकार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भड़की हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निवेशक भी परेशान है, जो दोस्तों पैसा नहीं मिल रहा है और गाली भी दे रहे हैं मोदी सरकार योगी सरकार को, और साथ साथ सुब्रत रॉय को भी गाली दिया जा रहा है। दोस्तों इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोदी सरकार भड़की हुई है। इसी को देखते हुए दोस्तों कल शाम 6 बजे के करीब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसमें बताया गया था सारे निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। दोस्तों मोदी सरकार योगी सरकार काफ़ी गुस्से में बोली है सारे निवेशकों का पैसा दे दिया जाए और किसी भी निवेशक का पैसा रह गया तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। दोस्तों ऐसे करके बताया गया, क्योंकि दोस्तों ऐसे इसलिए कहा गया है कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं जब तक आप लोग भुगतान नहीं कराओगे तब तक आपको वोट नहीं दिया जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी को देखते हुए मोदी सरकार योगी सरकार काफ़ी गुस्से में आई है और अपना रिएक्शन दिखाया। दोस्तों बता रही है कि 2 हफ्ते के अंदर सारे निवेशकों का पैसा मिल जाना चाहिए वरना हमसे बुरा कोई होगा नहीं। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों कि 2 हफ्ते के अंदर सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी दूसरे सप्ताह तक सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, जितने लोग का भी सहारा में पैसा फंसा सबका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार योगी सरकार अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उनको भी काफ़ी सारे गालियाँ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हो जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, जैसा कि दोस्तों जब तक आप लोग पैसा नहीं सहारा का दिलवाओगे सारे निवेशकों का तब तक सारे निवेशक जैसा कि दोस्तों पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे मोदी सरकार को, योगी सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों चुनाव के समय काफ़ी बड़ा हंगामा होने वाला अगर पैसा नहीं मिला तो। दोस्तों इसी को देखते हुए जैसा कि दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे और वो हम आपके वीडियो में बताए भी है कि आप लोग यही कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वीडियो जा रही है, इसीलिए दोस्तों देखने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार योगी सरकार। बताया जा रहा है कि दोस्तों कि जल्द से जल्द उन लोग का पैसा दे दिया जाए, वरना दोस्तों प्रधानमंत्री या तो सीएम या तो दोस्तों किसी पर भी प्रभाव पड़ा निवेशकों के बीच तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाएगा, सुब्रत रॉय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों जनवरी दूसरे सप्ताह तक टाइम दिया गया है सुब्रत रॉय को, और बताया गया है कि इतने तारीख तक सारे निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता है, जो भी कुछ भी हो सकता है, निवेशक कुछ भी कर सकते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग अगर चाहें तो वोट नहीं देंगे, लेकिन तो दोस्तों इसी को देखते हुए बारी अभी निकल के आ रही है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अब सारे निवेशकों का जो दोस्तों लिस्ट में नाम है आना शुरू हो गया और जनवरी दूसरे सप्ताह तक सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों आप किस जिले से हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना पैसा जमा है और कितना पैसा फंसा हुआ है। तो दोस्तों आप सब लोग बताइएगा कमेंट में, तो हम आपको दोस्तों बताएंगे और वो भी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर देंगे तो दूर दूर तक ये वीडियो जाएगी। तो दोस्तों इसे मोदी सरकार योगी सरकार देखेगी तो दोस्तों पैसा दिलवाने के लिए जल्द से जल्द कार्यक्रम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।